जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 39 चैप्टर यानी कि म्यूनसिपालिटीज़ देखेंगे। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और आप मुझे फेसबुक पर, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। आपको अगर शेयर करना है तो आप मुझे टैग भी कर सकते हो फेसबुक पर, अगर आप वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हो तो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में देख रहे हैं। तो हमने पंचायत सिस्टम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने देखा है कि हमारे लिए जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्यों ज़रूरी है, वो हमने एग्जांपल के थ्रू वहाँ पर समझा था स्टार्टिंग में ही वीडियो के। अगर आपने पंचायती सिस्टम नहीं देखी है, पंचायती राज नहीं देखा है, तो वो आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट पर जाकर। उसके बाद आप म्यूनसिपालिटीज़ देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको म्यूनसिपालिटीज़ जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इतना सब कुछ हमने देख लिया था कि क्यों ज़रूरी है जो लोकल गवर्नमेंट है वो। तो यहाँ पर जो टर्म है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये सिग्निफाई करता है द गवर्नेंस ऑफ एन अर्बन एरिया बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर पंचायती राज जो है हमने देखा था कि तीन सिस्टम में बिल्डअप था, बराबर है। सबसे नीचे क्या था, तो विलेज लेवल था, बीच में इंटरमीडिएट लेवल था, और जिला परिषद ऊपर था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अर्बन एरिया है, अब हमने पूरा जो रूरल एरिया है वो हमने पंचायती राज में कवर कर लिया, लेकिन जो अर्बन एरिया है वहाँ भी तो कल्चर अलग होगा, वहाँ भी तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होगी। तो इसी तरीके से जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो जो अर्बन लोग है, अर्बन में जो लोग रहते हैं उनका रेगुलेशन करने के लिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है। उसी के साथ साथ ज्यूरिसडिक्शन जो होता है ऑफ एन अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये लिमिटेड होता है टू अ स्पेसिफिक अर्बन एरिया। अब जहाँ पर ये अर्बन गवर्नमेंट है तो ऑब्वियस है कि ज्यूरिसडिक्शन भी उसी में सीमित रहेगा, विच इज़ डेमोक्रेटेड फॉर दिस पर्पज़ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये कौन डेमोक्रेट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बताएगी कि कहाँ कहाँ पर सीमित रहेगा, कहाँ कहाँ पर उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो चलेगा, ये सब कौन बताने वाला है। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बताने वाली है। मतलब यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर अगर बहुत सारा जोर जो है, एक्सेप्ट जो उनका स्टेट लिस्ट है उसके बाद अगर किसी का जोर चलता है तो वो किसका चलता है, पार्लियामेंट का चलता है, बराबर है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का चलता है। लेकिन जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आते हैं तो वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनका छोड़ के बाकी किसका राज चलेगा वहाँ पर, तो स्टेट गवर्नमेंट का राज चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 टाइप्स है लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट के, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपाल्टी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, टाउनशिप, स्पेशल पर्पस एजेंसी। अब यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं इनका मतलब क्या होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले आता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, आप इस तरीके समझिए कि कॉरपोरेट, अब कॉरपोरेट अगर आप देखोगे तो कॉरपोरेट कितना बड़ा होता है, बराबर है। अब अंबानी जो है वो एक कॉरपोरेट में ही ये करते हैं, उनका एक जो मतलब एक जो जो भी कंपनी होगी वो क्या है, वो एक कॉरपोरेट ही है। तो यहाँ पर कॉरपोरेशन मतलब क्या है, जो बहुत बड़ा है, बराबर है। अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता है, अगर वो कन्फ्यूजन भी होता है तो यहाँ पर जैसे मैच द पेयर में पूछ सकते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये किसके लिए होता है, म्यूनसिपाल्टी ये किसके लिए होता है। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब कॉरपोरेट, कॉरपोरेट मतलब बहुत बड़ा, मतलब अंबानी जो है वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो कॉरपोरेट का बिजनेस है। तो यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब ये क्रिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज़, जो भी बड़े सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाई जाती है। उसी के साथ साथ इस्टेब्लिश की जाती है, ये जो स्टेट्स है एक्ट से बनाया जाता है, ये जो भी कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा वो वहाँ पर एक्ट बनाएंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब हमें पता है कि जो स्टेट है उसमें जो भी होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर में आता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो किसके अंडर में आती है, तो वो आती है पार्लियामेंट के अंडर में, बराबर है, प्रेसिडेंट के अंडर में। प्रेसिडेंट जो है उनका माए बाप होता है जो यूनियन टेरिटरीज़ है उनका, लेकिन यहाँ पर जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन करता है, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसकी अनुमति के साथ ही यहाँ पर होगा। इसलिए जो स्टैब्लिशमेंट है अगर वो यूनियन टेरिटरीज़ में हो रहा है तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि तीन अथॉरिटीज़ होती है यहाँ पर, पहला होता है काउंसिल, दूसरा होता है स्टैंडिंग कमेटी और तीसरा होता है कमिश्नर। अब यहाँ पर ये अपने अपने यहाँ पर काम करते हैं। उसी के साथ साथ काउंसिल जो है वो एक डिलिब्रेटिव और एक लेजिस्लेटिव विंग होता है कॉरपोरेशन का। काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर जो है काउंसिलर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों से, एज वेल एज फ्यू नॉमिनेटेड पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज। अब यहाँ पर क्या होता है, कॉरपोरेशन में आप याद कैसे रखना है देखिए, क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये
किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है, म्यूनसिपल काउंसिल ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती है, या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे, उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो ये एडमिनिस्टर किया जाता है दिल्ली मुंबई। जैसे आप अंबानी का चेहरा अगर याद रखते हो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, क्योंकि उनका कॉरपोरेट में है, तो इसलिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अगर आप याद रखते हो तो अंबानी का चेहरा आपको याद रखना है वहाँ पर। तो अंबानी जो है बहुत बड़े हैं, बराबर है, तो इसलिए बड़ी सिटीज़ के लिए होता है। उसी के साथ साथ वहाँ पर अगर उनके इसमें किसी को भी कुछ करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वही करेगी, जो भी वहाँ पर चेंजेस लाना है एस्टेब्लिशमेंट जो रहेगा एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रहेगा। और यहाँ पर काउंसिल, स्टैंडिंग कमेटी और कमिश्नर ये तीनों रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो काउंसिलर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड रहेंगे लोगों से, ठीक है। उसी के साथ साथ नॉमिनेटेड पर्सन भी रहेंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज है। अब यहाँ पर उनका जो भी आप सोचिए कि उनकी जो कंपनी है, ठीक है, जो अब समझ लीजिए कि जियो की जो कंपनी है, जियो जो है उसमें इलेक्टेड लोग भी वो लोग ले रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि इलेक्टेड लोग वो लोग ले रहे हैं, उसी के साथ साथ नॉमिनेट पर्सन भी ले रहे हैं जिनके पास स्पेशल नॉलेज है ये फील्ड का, जिनके पास सिम कार्ड वगैरह का जो स्पेशल नॉलेज है उन्हें भी नॉमिनेट करके ले रहे हैं, और जो काउंसिलर है उन्हें डायरेक्टली इलेक्टेड करके भी यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप इमेजिन करके, एक स्टोरी इमेजिन करके करिए। काउंसिल जो है वो हेड कौन करते हैं, तो मेयर करते हैं। आपको पता होगा मुंबई में जो है वो मेयर होते हैं, बराबर है, और दिल्ली में भी होते हैं, कोलकाता में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। तो इस तरीके से क्या है, काउंसिल जो है वो हेड किए जाते हैं मेयर के द्वारा। असिस्ट कौन करता है उसे, तो डिप्टी मेयर करते हैं। अब यहाँ पर मेयर के लिए भी ये हो रहा था कि सारे जो मेयर हैं उनका डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो मेंस में बन सकता है। तो मेयर जो है कहीं कहीं पर इलेक्ट होकर आते हैं, कहीं कहीं पर वो नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी जो फ्लक्चुएशन है वो भी हमें मेयर के इसमें देखने को मिलता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज जनरली अ मेंबर ऑफ IAS। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कौन करते हैं इन्हें, किसे, तो म्यूनसिपल कमिश्नर जो होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वो जनरली जो IAS होते हैं उनमें से ही उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, म्यूनसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो देख लिया। अब यहाँ पर आते हैं म्यूनसिपाल्टी। अब म्यूनसिपाल्टी जो है वो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, म्यूनसिपाल्टी मतलब जो बाल्टी से नहाते हैं, मतलब क्या हो गया, कॉरपोरेट से थोड़े नीचे आ गए हम। तो जो बाल्टी में पानी डाल के नहाते हैं, मतलब शावर वाले तो ऊपर हो गए, मतलब कॉरपोरेशन वाले वो शावर वाले हो गए। अब यहाँ पर बाल्टी में पानी डाल के जो नहाते हैं हो गए म्यूनसिपाल्टी। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब छोटे जो टाउन्स हो गए, स्मॉलर सिटीज़ हो गई, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी जो है वो बनाई जाती है। अब यहाँ पर एक्ट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर एंड द यूनियन टेरिटरी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वही यहाँ पर आ रहा है, सेम चीज़ है। एक्ट जो है अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है बाकी स्टेट्स के लिए बनाएगा, और यूनियन टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट बनाएगा। उसी के साथ तीन अथॉरिटीज़ यहाँ पर भी है, काउंसिल है, स्टैंडिंग कमेटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। यहाँ पर देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कमिश्नर नहीं है, CEO यहाँ पर आते हैं म्यूनसिपाल्टी में। उसके बाद यहाँ पर जो काउंसिल इज डेलिब्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग होता है, वही कंसिस्ट ऑफ काउंसिलर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पर जितने भी है सब कुछ डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है और चेयरमैन है यहाँ पर हेड करते हैं, असिस्ट किए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन के साथ। जैसे वहाँ पर मेयर थे, यहाँ पर प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं। उसी के साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूनसिपाल्टी। अब ये कौन अपॉइंट करते हैं, कौन अपॉइंट करता है इन्हें, तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पर चलते हैं हम, नोटिफाइड एरिया कमेटी। अब नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो नाम ही बताता है कि किसी नोटिफाइड एरिया है ये, मतलब किसी ने तो भी नोटिफाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर दो टाइप के एरियाज़ होते हैं जो कि नोटिफाइड होते हैं। यहाँ पर दो टाइप के एरियाज़ के लिए किया जाता है, ऐसे कि फास्ट डेवलपिंग टाउन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पर कोई अगर टाउन हो, कोई टाउन हो, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो मतलब क्या है कि वो फास्ट डेवलपिंग हो रहा है, तो ऐसे टाउन यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरे होते हैं कि टाउन विच डज नॉट येट फुलफिल ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपाल्टी। और म्यूनसिपाल्टी जो है छोटे जो टाउन्स हो, छोटे जो ये हो, उनके लिए म्यूनसिपाल्टी बनाई जाती है, मतलब जो बाल्टी से नहाने वाले हैं उनके लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टाउन्स पूरी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें कुछ तो बात है, तो इसलिए उनको नोटिफाइड एरिया कमेटी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर जो है एस्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट गैजेट से, नोटिफाइड एरिया कमेटी में ये लोग आते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी के, चेयरमैन के साथ नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है इलेक्टेड ना ही स्टेटूटरी बॉडी है, ना ही इलेक्टेड बॉडी है, आपको ध्यान में रखना है। नोटिफाइड एरिया कमेटी नोटिफाई किया जाता है, नोटिफाई होगा तो ऑब्वियस है कि नॉमिनेट ही किया जाएगा वहाँ पर, बराबर, क्योंकि कोई ना कोई उसे नोटिफाई कर रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि आज बारिश आने वाली है, कोई तो भी नोटिफाई कर रहा है,
बराबर है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर नॉमिनेटेड ही लोग रहेंगे, यहाँ पर इलेक्टेड लोग नहीं रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना। नोटिफाइड एरिया में नॉमिनेटेड लोग ही होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पर हम जाते हैं, जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो है टाउन एरिया कमेटी। अब टाउन एरिया कमेटी के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, तो टाउन एरिया कमेटी जो है उसमें आता है कि टाउन एरिया कमेटी इज सेट अप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स। अब ये जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर टाउन एरिया कमेटी यहाँ पर लाई जाती है। ये एक सेमी म्यूनसिपल को अथॉरिटी होती है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सिविक होते हैं। फंक्शन जैसे कि ड्रेनेज, रोड, स्ट्रीट लाइटनिंग और कंजर्वेंसी, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं, इनके फंक्शंस होते हैं। ये एक सेपरेट एक्ट से किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के, उसी के साथ साथ कंपोजिशन, फंक्शन और अदर मैटर जो है वो भी ये एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। इट मे बी होली इलेक्टेड और होली नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्शियली इलेक्टेड, पार्शियली नॉमिनेटेड। अब ये जो है टाउन एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया में सारे नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन टाउन एरिया कमेटी अगर हम देखें तो वहाँ पूरे इलेक्टेड भी हो सकते हैं, पूरे नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, पार्शियली इलेक्टेड भी हो सकते हैं, पार्शियली नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। जो टाउन बोलेगा उस तरीके से वो चलेगा, तो टाउन जैसा वो सोचेंगे उस तरीके से वहाँ पर वो गवर्न करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि कंटेनमेंट बोर्ड। अब यहाँ पर कंटेनमेंट देख के मिलिट्री का ख्याल हमारे मन में आता है, तो उस तरीके से यहाँ पर सेटअप किया गया है प्रोविजन ऑफ कंटेनमेंट एक्ट 2006, लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पर आ रही है, बराबर। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं आ रहा है। तो कंटेनमेंट बोर्ड जहाँ आपको देखेगा वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही आप ध्यान में रखना। कंटेनमेंट एक्ट 2006, अब यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि जितनी भी चीज़ें हैं दो तीन यहाँ पर दे देंगे, उसमें से किस में स्टेट गवर्नमेंट का जो है स्टेट लेजिस्लेचर का हाथ बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसा आ सकता है कंटेनमेंट बोर्ड। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे एक्ट जो है 2006 का वो करता है कंसिडरेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंटेनमेंट विद अ व्यू टू इम्पार्ट ग्रेटर डेमोक्रेटाइजेशन। यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है उसको स्ट्रेंथन मिलना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, सारे के सारे लोग जो है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इंप्रूवमेंट होना चाहिए उनके फाइनेंशियल बेस का, और जो प्रोविजन है जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है, मैटर्स कनेक्टेड विद देम, तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए कंटेनमेंट बोर्ड में। एट प्रेजेंट यहाँ पर 62 कंटेनमेंट बोर्ड्स हैं हमारी कंट्री में। अब उन्हें चार ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब चार ग्रुप कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अबव 50,000, फिर 10,000 से लेके 50,000, 2,500 से लेके 10,000 और बिलो 2,500। तो इस तरीके से चार ग्रुप में ये जो कंटेनमेंट बोर्ड है इसे आका गया है चार ग्रुप में। अब यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड जो है वो कंसिस्ट करता है पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियली इलेक्टेड होते हैं, पार्शियली नॉमिनेटेड होते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कंटेनमेंट बोर्ड के बारे में। तो यहाँ पर मिलिट्री वाले जो हैं उन्हें आप इमेजिन कर सकते हो कि पार्शियली जो है वो इलेक्ट होकर आ रहे हैं और पार्शियली जो है वो नॉमिनेटेड होकर आ रहे हैं। उसी के साथ साथ इलेक्टेड मेंबर जो है वो 5 साल के लिए अपना टर्म यहाँ पर होल्ड करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, कंटिन्यू करते हैं सो लॉन्ग एज दे होल्ड द ऑफिस इन दैट सिचुएशन। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो यहाँ पर जब तक अपना होल्ड करेंगे ऑफिस तब तक वो वहाँ पर रहेंगे, जब उन्होंने छोड़ दिया तब वो चले जाएंगे। उसी के साथ साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है कंटेनमेंट बोर्ड का अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बराबर है ना। यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड मतलब क्या है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है। अब उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो सेंटर में से ही कोई अपॉइंट करेगा। अब यहाँ पर अपॉइंट कौन कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं। मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग इन द स्टेशन इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड एंड प्रिसाइड ओवर दिस मीटिंग। मिलिट्री ऑफिसर जो होता है कमांडिंग द स्टेशन, जो स्टेशन को कमांड कर रहे हैं, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं ये बोर्ड के, और जो प्रिसाइड करते हैं मीटिंग पर। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं बोर्ड के, वो इलेक्ट होकर आते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स देमसेल्फ फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंटेनमेंट बोर्ड के, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मिलिट्री ऑफिसर कमांडिंग जो होते हैं, जो कमांडिंग स्टेशन, जो स्टेशन को कमांड करते हैं मिलिट्री ऑफिसर, वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं बोर्ड के। जैसे कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो इंडिया के, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उसी तरीके से यहाँ पर जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं जो स्टेशन को कमांड करते हैं वो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं इस बोर्ड के, जो प्रिसाइड करते हैं मीटिंग पर, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनमें से, फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं पोर्ट ट्रस्ट, टाउनशिप और स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो यहाँ पर ये एक एक स्लाइड के हैं। जैसे कि पोर्ट ट्रस्ट जो है वो हमें ये बताता है कि पोर्ट ट्रस्ट स्टैब्लिश किए जाते हैं जो पोर्ट एरियाज़ है, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, जहाँ जहाँ पर हमें मतलब समुद्र किनारा जो मिलता है वहाँ वहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई,
केरला, ये सारी चीज़ें हैं। तो पोर्ट ट्रस्ट इस्टेब्लिश किए जाते हैं। क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? ताकि जो भी पोर्ट्स है उसे हम मैनेज कर सके, उसे हम प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि देखिए आजकल अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट अब अफ़गानिस्तान से हम डायरेक्ट अफ़गानिस्तान से जो है चीज़ें नहीं ले जा सकते, बराबर है। कोई भी अगर हमारा ट्रेड हो तो हम डायरेक्ट अफ़गानिस्तान थ्रू नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आता है। तो उस वजह से हम वहाँ पर हमारा जो भी चीज़ें हो वो नहीं ले जा सकते हैं उनके एरिया में, कि भले ही वो हमारा एरिया हो लेकिन फिर भी हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या है, अभी जिस तरीके से हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, जिस तरीके से चाइना जो है ग्वादर पोर्ट बना रहा है, तो उस तरीके से क्या हो गया, जो भी सी रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि चाबहार पोर्ट से हम पूरा जो मिडल ईस्ट है उसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पोर्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट जो है वो भी यहाँ पर बिठाया गया है। किस लिए बिठाया गया है? ताकि हम पोर्ट्स को मैनेज कर सके, उसे हम प्रोटेक्ट कर सके, उसी के साथ साथ सिविक एम्यूनिटीज़ जो है वो हम प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्यों, स्टेट लेजिस्लेचर क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी पोर्ट्स है वो सेंटर के हाथ में आते हैं, ऐसा आप ध्यान में रखिए। जितने भी पोर्ट्स है वो सेंटर के हाथ में है, तो इसलिए जितनी भी समुद्र है वो सेंटर के हाथ में आएगा। मोदी जी जो है जो समुद्र में चाहे वो समुद्र में डुबकी लगा सकते हैं, भले वो इंडियन ओशन हो, भरी हुई अरेबियन सी हो, भरी हुई वेस्ट बंगाल हो, जहाँ चाहे वहाँ जाके डुबकी लगा सकते हैं, उन्हें स्टेट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इमेजिन कीजिए। तो इस तरीके से क्या है, जो भी पोर्ट्स है पोर्ट ट्रस्ट किए जाते हैं बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसी के साथ साथ कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। इसमें भी इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। इसमें ऐसा नहीं दिया भाई कि पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेटेड, लेकिन दोनों इसमें होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं ऑफिशियल होते हैं। सिविक फंक्शंस आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ म्यूनसिपालिटी। जो भी म्यूनसिपालिटी के जो भी फंक्शंस रहेंगे उसी तरीके से यहाँ पर भी इसके सिमिलर फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टाउनशिप पर। अब यहाँ पर टाउनशिप हमें पता है, टाउन दिख रहा है यहाँ पर, तो टाउन जो है अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेगा। ये होती है गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय द लार्जर पब्लिक एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग सिविक एम्यूनिटीज टू इट्स स्टाफ एंड वर्कर्स हु लिव इन द हाउसिंग कॉलोनीज बिल्ट नियर द प्लांट। अब यहाँ पर जो प्लांट के आसपास जो भी कॉलोनीज यहाँ पर बिल्डअप हुई है उनके यहाँ पर सेफगार्ड के लिए, उनके यहाँ पर अच्छे जो भी रेगुलेशन करना है उसके लिए यहाँ पर ये बनाई जाती है। एंटरप्राइज अपॉइंट्स अ टाउन एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पर जो एंटरप्राइज है यहाँ पर अपॉइंट करता है टाउन एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसे अपॉइंट करता है। दस द टाउनशिप फॉर्म ऑफ अर्बन गवर्नमेंट हैज़ नो इलेक्टेड मेंबर्स। अब यहाँ पर भी इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं स्पेशल पर्पज एजेंसी। अब स्पेशल पर्पज़ एजेंसी के बारे में हम बोल सकते हैं कि स्पेशल पर्पज़ के लिए कुछ बनाई जाती है, जैसे स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होता है उसी तरीके से स्पेशल पर्पज़ एजेंसी है। अब ये सारे जो सेवन हमने देखे हैं जितनी भी एजेंसीज है, उसके बाद एरिया बेस्ड अर्बन लोकल बॉडीज स्टेट हैव सेटअप सर्टन एजेंसीज टू अंडरटेक डेसिग्नेटेड एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का यहाँ पर कुछ सही तरीके से कुछ झोलझाल हो रहा है कोई एरिया में, तो उस एरिया में स्पेशल पर्पज़ एजेंसी वहाँ पर लगा देंगे, ताकि वो जो है स्पेसिफिक फंक्शन जो है एक्टिविटीज़ जो है वो अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करे, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का काम करे, और जो भी घपले जो भी चीज़ें हो रही है उसे यहाँ पर सुधारने का काम करे। तो डोमेन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपालिटी और अदर लोकल अर्बन गवर्नमेंट, अदर वर्ड्स दीज आर फंक्शन बेस्ड एंड नॉट एरिया बेस्ड। यहाँ पर ये फंक्शन बेस्ड होते हैं क्योंकि स्पेशल पर्पज़ के लिए यहाँ पर लाए जाते हैं। तो यहाँ पर पर्पज़ क्या है, आधार के बारे में यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी लाना है, जो भी झोलझाल हो रहा है उसे यहाँ पर क्लियर करना है। मतलब ये क्या हो गया, ये एरिया बेस्ड यहाँ पर नहीं बनाया जाता है कि ये एरिया में ये बनाना ही है करके, लेकिन जो एरिया में आधार का प्रॉब्लम हो रहा है, जो एरिया में आधार का झोलझाल हो रहा है, वो एरिया में यहाँ पर फंक्शन बेस्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिंगल पर्पज़ भी बोलते हैं, यूनिपर्पज़ भी बोलते हैं, स्पेशल पर्पज़ भी इसे बोला जाता है। These functional local bodies are established as statutory bodies by an act of the state legislature. ये जो है ये एक establish किए जाते हैं statutory body के द्वारा by act of state legislature या फिर department या executive resolution के साथ। ये जो है anonymous body होती है, उसी के साथ साथ they are not subordinate agency to local municipal bodies, subordinate नहीं होती है। अब यहाँ पर municipality उनको बोलेंगे कि भैया तुमने एक आधार कार्ड चोर लिया, तो ये उनको जवाब नहीं देंगे कि भैया हमने चोरे कि नहीं चोरे करके। तो इस तरीके से यहाँ पर subordinate नहीं होती है local municipal bodies के लिए। अब यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पर तीन मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पर जुड़ जाती हैं इसके साथ। पहली आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, क्रिएटेड एज सेपरेट मिनिस्ट्री इन 1985। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पर आती है क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं म्यूनसिपालिटी, जो भी चीज़ें बना रहे हैं वो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड्स, यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड आ रहा है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इससे जुड़ जाती है।
और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज के द्वारा यहाँ पर होम अफेयर्स जो है वो भी मिनिस्ट्री यहाँ पर जुड़ जाती है। तो ये तीन मिनिस्ट्रीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ कौन से मिनिस्ट्रीज के अंडर में आती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1687 से लेकर 88 तक फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इंडिया में सेटअप किया गया था मद्रास के वहाँ पर। उसी के साथ साथ यहाँ पर 1726 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेटअप किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता में। तो इस तरीके से हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ले। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है सेटअप किया गया मद्रास में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉम्बे और कोलकाता में। मतलब आप देख सकते हो नीचे से आप ऊपर जा सकते हो, क्योंकि तीन ही चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती थी। जब हम पहले के ज़माने में आते हैं, जब हम अंग्रेज़ों के ज़माने में आते हैं, तो तीन ही जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी, जैसे कि कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया और मद्रास हो गया, ये तीन ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो बैंक जो है, बैंक ऊपर से नीचे तक आई है, ये जो है ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हम अगर म्यूनसिपालिटी का देखें तो हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे। उसी के साथ साथ फिर लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन आता है 1870 का ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद लॉर्ड रिपन्स रिजोल्यूशन आता है 82 का, जो हेल करता है मैग्ना कार्टा फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा जो एक आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कि बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है एक, उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करेगी, उसका लॉर्ड रिपन ने यहाँ पर रिजोल्यूशन दिया था, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। तो आप ध्यान में रख सकते हो, पहले तो मद्रास आ गया, उसके बाद बॉम्बे आ गया, उसके बाद कलकत्ता आ गया, उसके बाद मायो आ गया, मायो सैंडविच, तो मतलब मायो आ गया, उस मायो का रिजोल्यूशन आ गया डिसेंट्रलाइज करने के लिए, उसके बाद रिपन का आ गया जो कि मैग्ना कार्टा बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। उसके बाद आता है कि रॉयल कमीशन आता है डिसेंट्रलाइजेशन पर, वॉज अपॉइंटेड इन 1907 एंड सबमिटेड इज रिपोर्ट इन 1909। उसके बाद आता है कि गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा, जो 1919 का है, उसके एक्ट के द्वारा यहाँ पर लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है ये यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट में लाई गई थी, अंडर द चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर, जो भी इंडियन मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है उनके चार्ज के अंडर में यहाँ पर लाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी 1919 का। उसी के साथ साथ 1924 में कंटोनमेंट एक्ट आया था, जो कि पास किया गया था बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर 1924 में। अभी भी हम अंग्रेज़ों के ही गुलामी के अंडर में थे 1924। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट। पहले यहाँ पर जो 1919 का था उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट लाया गया था, उसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट में इसे डाल दिया गया था। फिर उसके बाद कमिटीज़ पर कमेटी बनती गई, बहुत सारी कमेटीज़ आई, जो कमेटीज़ हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो कमेटीज़ हमें यहाँ पर उनके बारे में चर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, तो आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद कमिटीज़ पर कमिटीज़ बनती गई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ इनका, जैसे कि हमने पंचायती राज का भी देखा था, तो तीन ही यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे राजीव गांधी, वीपी सिंह और नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर राजीव गांधी जो है उनके इसमें 1989 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके तहत यहाँ पर जो लोकसभा में उनकी मेजोरिटी थी तो पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा मेजोरिटी नहीं रहने की वजह से, राज्यसभा में उनका अपोज होने की वजह से वो जो बिल है वो लैप्स हो गया। उसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट आई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने नगर पालिका बिल लोकसभा में ये किया, दाखिल किया, उसके साथ साथ बिल जो है वो पास नहीं हो पाया और फाइनली लैप्स हो गया, क्योंकि जो वीपी सिंह गवर्नमेंट है उनका डिसोल्यूशन हो गया था यहाँ पर। फिर फाइनली आए नरसिम्हा राव कमेटी, जो नरसिम्हा राव कमेटी है उन्होंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में सितंबर 1991 में। ये जो बिल है फाइनली इमर्ज हुआ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और फोर्स में आया 1 जून 1993 को। तो यहाँ पर जो डेट है वो गलत दी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया इसका, जो हमारा म्यूनसिपालिटी है उसका। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या था एक्ट का, वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सिग्निफिकेंट क्या है, एक्ट हैज़ एडेड पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 9A यहाँ पर लगाया गया है यहाँ पर। उसी के साथ साथ एंटाइटल करता है म्यूनसिपालिटीज़, कंसिस्ट करते हैं आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 ZG तक। अब यहाँ पर देखिए, ये भी जो एक्ट्स है आर्टिकल्स है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप बिंदास रहिए, टेंशन फ्री रहिए, ज़्यादा का दिमाग पर जो भी बर्डन है वो डालने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे ये भी आर्टिकल याद रखना है। इफेक्टिव स्टडी कीजिए जो एग्ज़ाम में आ सकता है इसका, इतना आप याद रखोगे, इतने सारे जो भी है वो आर्टिकल्स याद रखोगे और एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, या आया तो भी एक क्वेश्चन आएगा, तो कॉस्ट बेनिफिट कितना है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, पढ़िए भी मत। एक्ट हैज़ ऑल्सो एडेड न्यू 12th स्केड्यूल। अब हमें पता है जितने भी स्केड्यूल्स है, 12 स्केड्यूल्स है, तो यहाँ पर जो 11वां था वो पंचायती राज था, जो 12वां है वो म्यूनसिपालिटीज़ के लिए है।
स्केड्यूल जो है इसमें 18 फंक्शनल आइटम है म्यूनसिपालिटीज़ के, उसके साथ साथ इट डील्स विद आर्टिकल 243W, उसी के साथ साथ एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनसिपालिटीज़। अब यहाँ पर एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देता है यहाँ पर म्यूनसिपालिटीज़ को। इट हैज़ ब्रॉट देम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे जस्टिसिएबल हो जाए, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर जस्टिसिएबल हो सके, तो इसलिए इसमें प्रीव्यू में लाया गया हो ताकि जस्टिसिएबल पार्ट बन सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है ये। उसी के साथ साथ ये जो है ये एक्ट एम करता है रिवाइटलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट सो दैट दे फंक्शन इफेक्टिवली एज अ यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हमने देखा था पंचायती राज के टाइम पे, जो भी हमने एग्जांपल थ्रू देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकेगा, क्यों इफेक्टिवली काम करना चाहिए। बाकी जो स्टेट्स है उसमें पहले ही ये जो है ये लागू कर दिया गया था, लेकिन अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पर इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इफेक्टिवली यहाँ पर काम हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता है। अगर वहाँ पर बोला गया है 5 सालों का टेनियर है, तो 5 सालों का ही टेनियर रहेगा, 10 सालों तक कोई बैठा नहीं रहेगा वहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी अर्बन गवर्नमेंट है उसे, और इफेक्टिव फंक्शन लाने के लिए यहाँ पर ये लाया गया था। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम साइलेंट फीचर देखेंगे इसके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।